मंदसौर जिला। मध्य प्रदेश राज्य का मंदसौर जिला एक बेहद ही खूबसूरत जिला है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय मंदसौर शहर में ही स्थित है और मंदसौर उज्जैन डिवीजन के अंतर्गत आता है। मंदसौर जिला फेमस है अपने अफीम उत्पादन के लिए। पशुपतिनाथ मंदिर, गांधी सागर डैम, चूलिया वाटरफॉल, मंदसौर फोर्ट और प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय आदि के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त निकुंज मिश्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मंदसौर जिले को। सो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर था। यह क्षेत्र दसपुर जनपद के रूप में जाना जाता था। आदिवासी राजाओं ने यहां कई सदियों तक शासन किया। भील राजाओं ने दसपुर जनपद पर एक लंबे समय तक शासन किया है। पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासत को संजोए उत्तरी मध्य प्रदेश का मंदसौर एक ऐतिहासिक जिला है। आजादी से पहले यह ग्वालियर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। नामकरण। मंदसौर जिले के नामकरण के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह नाम मरहा सौर से विकसित हुआ था, जो कि मरहा और सौर या दसौर से मिलकर बना हुआ था, जो कि दो गांवों के नाम थे। इन्हीं दो गांवों के विलय से मंदसौर शहर बना है। सीमा। मंदसौर जिला मध्य प्रदेश के दो जिलों के बीच स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में नीमच जिला, दक्षिण में रतलाम जिला और राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ जिले से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश राज्य का मंदसौर जिला 9,791 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार मंदसौर जिले की कुल जनसंख्या 13,40,000 के करीब है। लिंगानुपात। मंदसौर जिले का लिंगानुपात 966 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में 966 महिलाएं। शिक्षण संस्था। राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज, मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, नेहरू लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज, हरे कृष्णा इंस्टीट्यूट, बीआर नाहटा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, स्मृति कॉमर्स कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि शैक्षणिक संस्थाएं मौजूद हैं, जिनके माध्यम से जिलेवासी अपनी शिक्षा अर्जित करते हैं। मंदसौर जिले की साक्षरता दर 71.78% है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मंदसौर जिले से जुड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स की। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है मंदसौर जिला प्रदेश का एकमात्र अफीम उत्पादक जिला है? क्या आपको पता है राज्य का एकमात्र उद्यानिका महाविद्यालय मंदसौर जिले में ही स्थित है? क्या आपको पता है मध्य प्रदेश राज्य के 6 फुट पार्कों में से 1 फुट पार्क जग्गा खेड़ी मंदसौर में स्थित है? मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में चंबल नदी पर बने गांधी सागर डैम से 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। गांधी सागर डैम मंदसौर जिले को 2 भागों में बांटता है, पूर्वी मंदसौर और पश्चिमी मंदसौर। ऐसा माना जाता है कि रावण की पत्नी महारानी मंदोदेवी का जन्म स्थान अथवा इनका मायका मंदसौर का ही था। क्या आपको पता है मंदसौर फोर्ट? इस फोर्ट का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुसंगसा गौरी ने करवाया था। यह 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव का मंदिर भी है। जिले के भानपुरा तहसील के ग्राम कैथुली में 400 वर्ष पुरानी पाषाणकालीन प्रतिमा स्थापित है। जिले में यशोवर्धन म्यूजियम है, जिसका निर्माण 1982-83 में किया गया था। जिले के सीतामाऊ में एक महाराजा निजी संग्रहालय भी है। जिले की सीतामाऊ तहसील में एक श्री नटनागर शोध संस्थान स्थित है। जिले की सामगढ़ तहसील से 40 किलोमीटर की दूरी पर
6 से 8वीं सदी में बनी कुलवी गुफाएं देखी जा सकती हैं। यह बौद्धकालीन गुफाएं हैं। पशुपतिनाथ की नगरी नाम से भी जाना जाता है मंदसौर जिला। सिवना नदी के तट पर स्थित प्रभु पशुपतिनाथ का यह भव्य सुंदर मंदिर इसे विश्व प्रसिद्ध बनाता है। यहाँ के मंदिर की मूर्तियाँ नेपाल में स्थित मंदिर की मूर्ति के समांतर है। इस मंदिर का निर्माण 1982 में गुरव शैली में किया गया था। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मंदसौर जिले के आसपास फेमस प्लेसेस की, जहां पर आपको एक बार तो विजिट करना ही चाहिए। धर्मराजेश्वर टेंपल चंदवासा, चतुर्भुज टेंपल, इसका निर्माण राजा मधुकर ने करवाया था। हिंगलागढ़ हिल फोर्ट, तेलिया ताल, चूलिया वाटरफॉल, यह चंबल नदी में है। गांधी सागर डैम, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य आदि। मंदसौर जिले में चूना पत्थर, अभ्रक, अयस्क पाया जाता है। जिले में सुगर मिल, वर्धमान मिल, स्लेट कारखाना, स्टील उद्योग, टेक्सटाइल मिल, स्टार्च फैक्ट्री, प्लास्टिक उद्योग आदि उद्योग शामिल हैं। बात प्रशासनिक संरचना की करें तो मंदसौर जिले में 4 ब्लॉक, 8 तहसील, मंदसौर खुद, मल्लारगढ़, सीतामऊ, गरोड़, सामगढ़, दलोदा, भानपुरा और सुवासरा, 1 लोकसभा, 4 विधानसभा, 1 नगरपालिका, 9 नगर पंचायत, 16 पुलिस स्टेशन, 1 जिला अस्पताल, 1 जिला कोर्ट, 423 ग्राम पंचायत और 955 गांव शामिल हैं। जिले में 2 प्रमुख नदियां सिवना और चंबल नदियां प्रवाहित होती हैं। मंदसौर जिले में 88.97% हिंदू, 9.37% मुस्लिम, 1.42% जैन, बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं। मंदसौर जिला प्रमुख रूप से एक कृषि प्रधान जिला है। जिले में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि की उपज ली जाती है। मंदसौर जिला राज्य की राजधानी भोपाल से 340 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से 966 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। अफीम के पत्तों से बनी सब्जी यहाँ की फेमस सब्जी है। जिले में हिंदी, मालवी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। बात आवागमन की करें तो यहाँ से नज़दीकी हवाई अड्डा इंदौर 210 किलोमीटर दूर है। मंदसौर रेलवे स्टेशन अजमेर रतलाम बड़ी लाइन पर स्थित है। यह भारत के बड़े शहरों द्वारा रेल के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। मंदसौर देश के अनेक हिस्सों से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से यहाँ के लिए नियमित बसें चलती हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।